लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना और अजित गुट पर दबाव बनाने वाली बीजेपी का अब सहयोगी दलों पर प्रेम उमड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी अब किसी भी कीमत पर सहयोगी दलों को नाराज नहीं करना चाहती, बल्कि सभी को साथ लेकर चलेगी। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह का दबाव बीजेपी ने सहयोगी दलों पर बनाया था, वैसा दबाव विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव में पूरे समन्वय से चुनाव लड़ने पर जोर है, साथ ही सहयोगी दलों पर कोई विवादित बयान भी न देने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रभारी भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। बीते सप्ताह ही उन्होंने प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के सुर बदले हुए नजर आए। प्रभारी और सहयोगी प्रभारी ने प्रदेश बीजेपी के लोगों से सहयोगी दलों को संपूर्ण सहयोग देने के लिए कहा है। अश्विनी वैष्णव ने विधानसभा चुनाव में समन्वय बनाने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, जिससे सहयोगी दलों के बीच किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति को खत्म किया जा सके। इसके अलावा बीजेपी कोर कमेटी के लोगों से कहा गया है कि वो विवादित बयान देने से बचें, ताकि सहयोगी दलों के साथ किसी प्रकार की दूरी न बनने पाए। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी पर दबाव बनाया था। खासकर शिंदे सेना पर तो अंतिम क्षण तक दबाव बनाया गया। दक्षिण मुंबई, ठाणे, कल्याण जैसी दूसरी सीटों को लेने के लिए बीजेपी ने हर तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 32 सीटें मांग रही थी। इसके लिए बीजेपी ने शिंदे सेना के मुखिया एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा दी थी। यहां तक कि बीजेपी ने सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे सेना के सांसद का टिकट तक कटवा दिया। 5 बार सांसद रही भावना गवली का टिकट काट दिया गया। एक उम्मीदवार का नाम घोषित करने के बाद भी उसे बदल दिया गया। उस वक्त शिंदे सेना के कई नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी तक दे डाली थी। शिंदे सेना के कई नेताओं को बीजेपी की बार बार दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी, फिर भी बीजेपी नहीं सुधर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स है कि उस वक्त बीजेपी ने शिंदे सेना पर काफी दबाव बनाया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही हुआ। 28 लोकसभा सीट पर लड़ने वाली पार्टी सीधे 9 सीटों पर आ गई। दूसरी ओर शिंदे सेना की परफॉर्मेंस बीजेपी से कहीं बेहतर रही। सहयोगी दल बीजेपी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहां है वो सर्वे जिसमें पार्टी जीत रही थी। अब सहयोगी दलों को बीजेपी के सर्वे पर भरोसा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में जहां सहयोगी दलों में ऊर्जा भर दी है, वहीं बीजेपी हार से उबर नहीं पा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे में अब बीजेपी महाराष्ट्र में सहयोगी दलों के साथ ही चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई गई। मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार ने कहा कि महायुति के सभी दल मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक के बाद कहा था कि राज्य के हर ब्लॉक में कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। पार्टी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव से पहले हर ब्लॉक और घरों में जाकर पार्टी की खूबियां गिनाएंगे। तो इस तरह से जहां एक तरफ बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में पूरी तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष एनडीए की सरकार को चित करने का भी प्लान बना रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।